नमस्कार, स्वागत है आपको जनसत्ता में। मैं कृष्णा शुक्ला लेकर आई हूं आपके लिए दिन भर की बड़ी खबरें। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्रों और सुरक्षा कर्मियों के बीच विवाद की खबर सामने आई है। बता दें कि हिंसा के दौरान विश्वविद्यालय परिसर में आगजनी और तोड़फोड़ की गई है। खबरों के मुताबिक सिक्योरिटी गार्डों द्वारा एक छात्र नेता पर कथित रूप से हमला किए जाने के बाद छात्र उग्र हो गए और हिंसा पर उतर आए। बता दें कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एक छात्र नेता की पिटाई पर छात्रों का गुस्सा सामने आया है, जिसके बाद छात्र भड़क गए और परिसर में आगजनी करने के साथ सुरक्षा गार्डों पर हमला भी बोला। प्रशासन का दावा है कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में हो चुकी है। बता दें कि इस घटना से जुड़े कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए हैं, जिसमें उपद्रवी लोगों को पुलिस खदेड़ती नजर आ रही है। प्रयागराज स्थित इलाहाबाद विश्वविद्यालय के परिसर में सोमवार दोपहर अचानक छात्र संघ का हुजूम उमड़ पड़ा। छात्रों ने विश्वविद्यालय परिसर में एकत्रित होकर जमकर हंगामा किया। रोष जता रहे छात्रों ने जमकर तोड़फोड़ और आगजनी की घटना को अंजाम दिया है। उनका आरोप है कि विश्वविद्यालय के गेट पर तैनात गार्ड ने गोली चलाई है। हालांकि इस बारे में अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। विश्वविद्यालय परिसर में फैला तनाव इतना बढ़ गया कि मौके पर डीएम भी पहुंचे। वहां आकाश कुलहरी भी छात्रों के साथ समझाने में जुटे रहे। पत्थरबाजी के दौरान छात्र नेता विवेकानंद के सिर में गंभीर चोट आई है, लेकिन वो छात्रों को समझाने में जुटे रहे। उन्होंने छात्रों ने पत्थरबाजी के बजाय शांति मार्च निकालने की बात कही है। संसद की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने सरकार से तवांग क्लैश पर चर्चा की मांग कर डाली और हंगामा भी किया। विपक्ष के आरोपों पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, अगर हम चीन के प्रति उदासीन थे तो भारतीय सेना को सीमा पर ही नहीं भेजते। अगर हम चीन के प्रति उदासीन थे तो आज चीन पर डी एस्केलेशन और डिसएंगेजमेंट के लिए दबाव क्यों बना रहे हैं? हम सार्वजनिक रूप से क्यों कह रहे हैं कि हमारे संबंध सामान्य नहीं है? हमें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अपने जवानों की आलोचना नहीं करनी चाहिए। हमारे जवान यांगसे में 13,000 फीट की ऊंचाई पर खड़े होकर हमारी सीमा की रखवाली कर रहे हैं, उनका सम्मान और सराहना की जानी चाहिए। राहुल गांधी के बयान पर जयशंकर ने कहा, हमें राजनीतिक आलोचना से कोई समस्या नहीं है, लेकिन हमें अपने जवानों का अपमान नहीं करना चाहिए। मैंने सुना है कि मेरी अपनी समझ को गहरा करने की जरूरत है। जब मैं देखता हूँ कि कौन सलाह दे रहा है तो मैं केवल झुक सकता हूँ और सम्मान कर सकता हूँ। हमारे जवानों के लिए पिटाई शब्द का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। पीएफआई के पूर्व चेयरमैन ई अबू बेकर की एक याचिका को खारिज करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने बेहद तर्क टिप्पणी की है। कोर्ट का कहना था कि वो आरोपी को हाउस अरेस्ट में तो नहीं पर अस्पताल में जरूर भिजवाएंगे। वो बीमार है तो उन्हें बेहतरीन उपचार दिलाने की कोशिश की जाएगी। दरअसल पीएफआई के पूर्व चेयरमैन ई अबू बेकर ने अपनी बीमारियों का हवाला देकर याचिका दायर की थी कि उन्हें घर पर इलाज की जरूरत है। उनके वकील का कहना था कि गौतम नवलखा की तरह से उन्हें भी रियायत दी जाए, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ कहा कि इस तरह की रियायत का कोई प्रावधान कानून में नहीं है। अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।